तो दोस्तों भूभी के लिए ले ली है नई पैजामा द्वाराहाट से, मतलब द्वाराहाट में हमने 30 साल पहले करी, 25 26 साल पहले करी होगी परचेजिंग, आज 25 साल के बाद यहाँ द्वाराहाट से परचेजिंग करी। ओए ओए खुशबू आ रही, मस्त है, सॉफ्ट है देखो, और दोस्तों बहुत अच्छी थी है इन्होंने, मतलब बहुत क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छे रेट। पहन रही है बेबी? नहीं पहन रहा, नहीं मंदिर जा रहे, बेइज्जती हो जी, ये गंदी वाले पहन के यार। देखो दोस्तों भी नहीं लेंगे ऐसे गंदे कपड़ों में, तो मैं लूंगी नहीं इसलिए, कुछ भी नहीं लेंगे अब, हम जाएंगे ब्लैक जैकेट पहनेगी, ऊपर नीचे से ये पहनेगी तब अच्छी लगेगी। हाँ, स्मार्ट कोई भी उड़ जा, ऐसे मेरे पलीद बन के नहीं जाएगी। बेटू कौन सा भजन लगाओ? तूने मुझे बुलाया आया। तो दोस्तों फाइनली मान गई है भूभी हमारी और पहन रही है नए कपड़े। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं पूरे टॉप में, क्योंकि जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं वो पूरे टॉप में है, माता के मंदिर, मतलब आप लोग गैस कर सकते हैं कि कौन सी माता के मंदिर जा रहे हैं। आप तो समझ गए हो, आप लोग समझ गए होंगे वैसे कि हम लोग कौन सी माता के मंदिर जा रहे हैं। अगर हम द्वाराहाट पहुंच गए तो हम कहाँ जा रहे होंगे? तो दोस्तों यहाँ से हिमालय का इतना बढ़िया व्यू आ रहा है, इतना प्यारा व्यू, क्या बताएं। ये देखो, देखा वो भी इधर देख, कैसा लग रहा है बताओ जरा दो शब्द। तो दोस्तों इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा फील हो रहा है। एक तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि अचानक हमारा यहाँ माता के मंदिर में आने का प्रोग्राम बन गया और सामने हिमालय, आहा ऐसा लग रहा है कहीं स्वर्ग में होंगे हम लोग। तो दोस्तों हम जहाँ को जा रहे हैं, इतनी मस्त रोड है, क्या बताऊं, और गाड़ी पार्क हो रही है, पार्क हुई है यहाँ पे सारी। मम्मी हम लोग माता के मंदिर पहुँच गए, यहाँ से ऊपर चढ़ाई है शायद, देखो ये हाँ ये चढ़ाई है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं माता के मंदिर की, मतलब नीचे नीचे, अभी हम चढ़ाई चढ़ेंगे ऊपर को, यहाँ सारे दुकानें लगी हुई है, ये ले लेती हूँ फिर। हाँ हाँ ये ले लो। शाबाश बेटा, भूभी पैदल चल के जा रही है, वेरी गुड, ये असली भक्त तो भूभी है यार। तो दोस्तों पहले जब हम लोग आए थे 2008 या 9 में आए होंगे शायद, तो यहाँ पे बिल्कुल कवर भी नहीं था ये, और ऐसे ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी। अब के इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो हमारे नज़दीक में इतना सुंदर मंदिर हमें पता नहीं है, इतनी पूरी घंटियाँ लगी हैं, पूरा कवर्ड कर रखा है, आनंद आ गया सही में। ये भूभी चली गई आगे, चढ़ाई तो है लेकिन सीढ़ियां वगैरह इतनी अच्छी बनाई है ना, इस वजह से चढ़ाई जैसा लग ही नहीं रहा। ये देखो ये थोड़ा सा आप गोदी में जाएगी भूभी का, और आधे रास्ते तक तो पैदल आ गई है। चप्पल भी डाल लेना टाइम पर। हाँ माता, नहीं तो फिर माता हमको बुद्धि नहीं देंगी। हाँ बिल्कुल, सब पता है हमारी अम्मा को। ये सब पता है मेरे बेटे। हाँ एक साइड से जाना है, इस साइड से आना। जय माता दी। हाथ धो लो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए दूनागिरी माता के मंदिर, जो हम कह रहे थे आपसे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं
तो हमें आज कृपा हुई माता की, हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, मतलब बिना प्रोग्राम के बिना प्लान के सडन बना और हम माता के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इतना खुशी हो रही है अंदर से, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। गाइस देखो शेर भी है यहाँ दो दो। हाँ देखो ये है एंट्रेंस, यहाँ से जाएंगे हम लोग अंदर। चलो तो पहुंच गए हैं मेन मंदिर में और अंदर की हम फोटो नहीं लेंगे, लेते भी नहीं है, लेना भी नहीं चाहिए और यहाँ पर मना भी है। तो दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर भी यहाँ पे मिल चुके हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, तो ये लोग हमारे वीडियो देखते हैं। और एक बार इनसे वीडियो कॉल भी करी थी, आज संजोग से जो है मंदिर में हो गई भेंट, माता ने मिला। माता रानी सबके, इनके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, सभी लोग बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं दोनों लोग। तो हम लोग बुड़बड़ एरी और ये लोग बुड़बड़ एरी है ना। तो दोस्तों हिमालय दिख रहा, देखो सामने। तो दोस्तों मंदिर के नीचे है हमारे गोलदेव जी का मंदिर और हम आ गए हैं गोलदेव जी के मंदिर में। जय गोलुदेव, जय गोलुदेव। इसको मंदिरों के अलावा और कहीं अच्छा नहीं लगता भूमि को ना। हाँ बहुत ही, हर मंदिर में जा रही हो देखो, प्रणाम और पूरा झुक के साष्टांग प्रणाम कर रही है एकदम। ये शाबाश बेटा, आ जाओ बोलो जय गोलुदेव। तो सब लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं सब्सक्राइबर हमारे, हमारे उत्तराखंड देवभूमि के हमारे प्यारे भाई लोग। तो दोस्तों ये जो है ये सबसे हाइट पे है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे और यहाँ से सब कुछ दिखता है, द्वाराहाट वगैरह सब, सोमेश्वर भी दिखता होगा शायद यहाँ से। सब लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, महात्मा लोग बैठे हैं वहाँ पे, बाबा जी लोग। ये देवदार के पेड़ों के बीच में ठंडी ठंडी हवा और माता का मंदिर, और बांस के, हाँ देवदार और बांस के, मतलब आनंद ही आ रहा है। और सामने से दिख रहा है हिमालय, हालांकि कैमरे में नहीं, कैमरे में नहीं आ रहा है, लेकिन जो आप यहाँ पर आगे देखोगे ना तो मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ की जो माता है दूनागिरी माता, वो पिंडी रूप में विराजमान है यहाँ पे, और यहाँ और वैष्णो देवी में पिंडी रूप में विराजमान है। तो दोस्तों दूनागिरी में एक और चीज़ बहुत अच्छी है, जब आप मंदिर के बाद आते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है हमेशा लंगर लगा रहता है और आप भोजन प्रसाद ले सकते हैं। मतलब एक की गोदी में चढ़ी है, एक के कान में फूंक रही है ये, ओ भैया यार।